तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की वीडियो में सॉरी कोई भी इमेज में, मान लीजिए बैकग्राउंड में कोई इमेज है या बैकग्राउंड में कोई और चीज़ है, तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं एक टूल की मदद। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पर सर्च कर देना है pixelcut.ai। तो सिंपली आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है। तो सिंपली अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपकी इमेज में अगर कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी इमेज ले लेने वाले हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर पहले तो सबसे पहले कोई एक इमेज को ढूंढ लेते हैं जो कि हमें यहाँ पर रिमूव करनी है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक इमेज को लेने वाला हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई भी एक इमेज को ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये इमेज ले ली है, ठीक है। अब मुझे इसमें से इस बंदे को हटाना है, इन भाई साहब को हटाना है। तो मैं अब इनमें से इस तरीके से आपको कल कर देना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ये कर दे रहा हूँ। तो आपको इसी तरीके से अपनी इमेज में कोई भी लगा देना है, जिसको भी रिमूव करना है आपको इसी तरीके से सर्कल लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। सिंपल, जैसे आप यहाँ पर लगा दोगे और ये भाई साहब हमारे गायब होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई मैजिक इरेजर पे क्लिक करना है और ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली इसको क्लीन कर देगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर दिया फिलहाल के लिए हमें, क्योंकि यहाँ पर वर्डिंग था, लेकिन वहाँ से उस इंसान को रिमूव कर दिया है। तो आपको इस तरीके से, मान लीजिए इनको रिमूव करना है या पीछे से बैकग्राउंड में इस तरीके की ये इमेज है, तो अच्छे से क्लीन करना है, ध्यान से रखिएगा। थोड़ा सा अगर आप जितना अच्छे से इसको कर पाएंगे उतना अच्छे से आप इसको रिमूव भी कर पाएंगे। सिंपली अप्लाई करना है और ये जो हमारी जहाँ पर भी आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव कर देगा। और कलर, ये जो कलर है ये वहीं का उठाएगा जहाँ आप, जैसी आपकी इमेज है उसी तरीके का ये कलर भी उठाने वाला है। अगर आप लोग इसके प्रो क्वालिटी में जाओगे, यानी कि इससे अच्छे बैटरी क्वालिटी भी आपको दे देगा। आप इतना करने के बाद आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके अलावा भी एडिट कर सकते हैं। बाकी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो जूम इन और जूम आउट करके भी क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस टूल का आप इस्तेमाल कर पाए।